मैदान में गुरुवार के दिन लगने वाले बाजार को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। बाजार खत्म होने के बाद पूरे मैदान में गंदगी का अंबार लग जाता है। जिला प्रशासन की ओर से बाजार में लगने वाले फुटपाथ के गुरुवार बाजार को क्रिश्चियन मैदान में लगाने के आदेश जारी किए गए थे, जिसके बाद क्रिश्चियन मैदान में या बाजार गुरुवार के दिन लगना शुरू हो गया। लेकिन बाजार के खत्म होने के बाद यहां फैली गंदगी लोगों को अब परेशानियां देने का काम करने लगी है। गुरुवार के दिन बाजार लगता है और अगले दिन मैदान में पॉलीथीन कचरा इतना बढ़ जाता है कि यहां निकलना भी दुश्वार हो जाता है। क्रिश्चियन मैदान में खड़े लोगों ने बताया है कि बाजार को बंद करा दिया जाए, क्योंकि मैदान बच्चों के खेलने के लिए है, लेकिन यहां बाजार लगने के बाद गंदगी की वजह से यहां बच्चे खेल नहीं पाते। और क्या कुछ कहना है यहां के लोगों का, यह भी जरा आप सुनिए। बृहस्पति बाजार जो चालू हुआ है, इसकी वजह से इस ग्राउंड की पोजीशन बहुत खराब है और आए दिन बड़ी काफी दिक्कतें हो रही हैं इस ग्राउंड से। मैच के लिए और किसी भी आयोजन के लिए बहुत ही गंदा ग्राउंड है, आप घुमा के दिखा सकते हैं। इस पे कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, ये बाजार बंद होना चाहिए। तो यही है, जिला प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ ये मैनपुरी का ऐतिहासिक ग्राउंड है और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग पूरा ग्राउंड पन्नियों से भरा पड़ा है चारों तरफ। मैंने कई बुजुर्गों को अपने आंखों से पन्नियों पे रात में फिसलते हुए देखा, गिरते हुए देखा है। इन पन्नियों की वजह से कई गाय कई आवारा पशु इन्हें खा रहे हैं, उनकी क्या नाम है मौतें हो रही हैं इन पन्नियों के कारण। तो मैं तो बस यही चाहूंगा, देखा जा रहा है शासन इस पर रोक भी लगा रहा है, लेकिन यहाँ रोक क्यों नहीं लग रही है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो यही तो बस शासन को, प्रशासन को इस संज्ञान में लेना चाहिए कि ये पन्नियाँ इतनी आ कहाँ से रही हैं, जब पूरा बैन है, पूरे उत्तर प्रदेश में बैन है, पूरे भारत में बैन है पन्नियों का, तो इतनी पन्नियाँ यहाँ आ कहाँ से रही हैं। तो बस मैं तो यही चाहूंगा कि प्रशासन इसे संज्ञान में लेते हुए इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करे, कुछ काम करे इस पर। हम सभी जो भी खेल से जुड़े लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। हजारों रुपए इस फील्ड को मेंटेनेंस में लगाते हैं हम जब भी प्रतियोगिताएं शुरू करते हैं, लेकिन इस गंदगी की वजह से और इन लोगों के जो बल्ली गाड़ के गड्ढे कर देते हैं, इसकी वजह से हमारे इस फील्ड का बिल्कुल नाश हो जाता है। ये फील्ड एकमात्र ऐसा मैदान है पूरे मैनपुरी शहर में जो हार्ट ऑफ द सिटी है, और इसमें खेल जो होता है इस पर चलता फिरता आदमी इस खेल को देखने यहाँ चला आता है। यहाँ मामूली सा मैच कराई है, सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ यहाँ हो जाती है। तो इतना बढ़िया खेलने का ग्राउंड है, उसका इस बाजार वालों ने, जो बृहस्पति का बाजार लगता है, उसने इसका बिल्कुल रेड कर रखा है। मैं इस संदर्भ में जिलाधिकारी मैनपुरी से भी हम लोगों ने संपर्क किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम लोग इसको जन आंदोलन के रूप में उठाने वाले हैं और आगे इस समस्या से हम जरूर लड़ेंगे और उम्मीद है कि हम इस पर विजय पाएंगे। अगर आपको जानना है मैनपुरी की छोटी बड़ी खबर का हाल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।